जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर से आरपीएसएल एजेंसीज के बारे में, क्योंकि जब भी हम जहाज़ पे जाते हैं अपना साइन ऑन करवाते हैं, ठीक है, तो जिस भी आरपीएसएल के थ्रू हम जा रहे हैं हमको पता होना चाहिए कि वो आरपीएसएल कब तक वैलिड है, सस्पेंड तो नहीं है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्योंकि अभी का जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, क्योंकि जितने भी लड़के हेली नसीब मैनेजमेंट और भी बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारी ऐसी एजेंसी हैं जो सस्पेंड हो रखी हैं, ठीक है, उसके थ्रू जितने भी बंदे गए थे अपना साइन ऑन करवाए थे उनका साइन ऑफ नहीं हो रहा है, और ये आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जो लड़के घर आए हैं, एक एक साल हो गए उनको घर आके बैठे हैं, उनका साइन ऑफ नहीं हो रहा है। साइन ऑफ नहीं होने की वजह से उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स का काम है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जब भी हमारा प्लान होता है जहाज़ पर जाने का, तो हम किसी ना किसी आरपीएसएल को लेके जाते हैं कि जब भी हम आएंगे तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स का काम है उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जिस भी हम आरपीएसएल के थ्रू जा रहे हैं हमको पता होना चाहिए कि वो कब तक वैलिड है, सस्पेंड तो नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं दोस्तों कि जिस भी आरपीएसएल के थ्रू हम जाते हैं उसको हम चेक कर पाएंगे कि वो कब तक वैलिड है, ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सिंपली आपको फायरफॉक्स को ओपन कर लेना होगा और आपको टाइप करना होगा www.dgshipping.org और आपको सिंपली इसको सर्च कर लेना होगा। इसको सर्च करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको सिंपली इसको टाइप करके ओपन कर लेना है। उसके बाद से दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, सिंपली आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके दोस्तों जब आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आरपीएस एजेंसी, और आपके सामने भी दोस्त अगर ऐसा डिस्प्ले दिखाई दे रहा है, आपको आरपीएस एजेंसी नहीं दिख रही है, तो सिंपली आपको फ़ोटो गैलरी पे टैप करना है। उसके बाद से दोस्तों कुछ ऐसा लंबा चौड़ा लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आरपीएस एजेंसी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टैप करके ओपन कर लेना है। इसको टैप करके जब आप ओपन करेंगे दोस्तों, इसको ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आरपीएस एजेंसी लिस्ट ऑफ एजेंट्स हैविंग लाइसेंस, आपको सिंपली इसको टैप करके ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जितने भी आरपीएसएल लिस्टेड कंपनियां हैं आपके सामने खुल के आ गई हैं, और आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों वैलिड आरपीएसएल लिस्ट और इनवैलिड आरपीएसएल लिस्ट, दो चीज़ का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो पहले हम जो वैलिड है उसको देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, नेम, लाइसेंस नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट, एड्रेस, जो भी इनका है सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ढूंढने में दोस्तों आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसके लिए यहाँ पे एक सर्च बार का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आके जो भी है आपका आरपीएसएल की कंपनी है उसको आपको सर्च करना है, और आपको सिंपली वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। मैं एक सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने एक कंपनी है, ये आरपीएसएल कंपनी है, मैंने इसको सर्च किया। देखिए इसका जो नेम है, जो मैंने नेम सर्च किया आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका जो आर पी एस एल है वो भी देख सकते हैं, MUM 1003, और ये कब इशू हुआ था देख सकते हैं, और एक्सपायरी इनकी कब है 2024 में ये भी आप देख सकते हैं। सब कुछ जो भी इनका डिटेल्स है दोस्तों ये वैलिड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिख के आ रहा है कि ये वैलिड है। तो ऐसे आप भी चेक कर सकते हैं जाने से पहले कि जिस भी एजेंसी के थ्रू आप जा रहे हैं वो आर पी एस एल एजेंसी वैलिड है कि नहीं है, ब्लैक लिस्टेड है, जो भी है दोस्तों आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो अगर जो आप इसमें सर्च कर रहे हैं और जो आपकी आरपीएसएल एजेंसी है वो नहीं आ रही है, तो आपको सिंपली एक बार इधर आना होगा, और आपको फिर इनवैलिड में क्लिक करके, और फिर आपको यहाँ पे आके सर्च बार में देखना होगा। तो अगर आपका जो भी आरपीएसएल कंपनीज है वो इनवैलिड है या फिर ब्लैकलिस्टेड है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसमें इनवैलिड में कंपनी का नेम, लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ इशू नहीं दिखा रहा है, दिख रहा है, देखिए कुछ लोगों का दिख भी रहा है, और जो एक्सपायरी डेट है वो भी आप देख सकते हैं 2018 में, 2016 में, 2014 में, 2012 में, ये सारे एक्सपायर हो चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले अगर आप फ्रॉड से बचना चाहते हैं और आगे चल के परेशान नहीं होना चाहते हैं, तो आप भी ऐसे चेक कर सकते हैं कि जो जिस भी आरपीएसएल एजेंसी के थ्रू आप जा रहे हो वो ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है, और कब तक के लिए वो वैलिड है। इन सब चीज़ों को आप भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों,
चलिए वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं, और आपकी कोई भी इंक्वायरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा मर्चेंट नेवी से रिलेटेड ऐसे नई नई वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय।